वेरी प्राउड ऑफ हर, उसकी जर्नी उसने अच्छी तय की है एंड लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया एंड अभी जहाँ भी है वो वहाँ भी प्यार बटोर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर फैंस. सो कीप सपोर्टिंग हर गाइस. ऑनेस्टली कुछ नहीं सोचा, ये आज जब ख़त्म होगा मैं एक दो दिन आराम से सोऊंगा बिकॉज बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ, तो एक दो दिन आराम से सोऊंगा उसके बाद सोचूंगा करना क्या. सो एज ऑफ नाउ नथिंग इज़ ऑन प्लेट एंड नथिंग इज़ इन द पाइपलाइन, सो ऐसा कुछ भी नहीं. ऑफकोर्स बताया, शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस, बट एट द सेम टाइम एक जर्नी है, कभी ना कभी जैसे शुरू हुई थी ख़त्म भी होनी, सो वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस. सो शुरुआत हुई थी वो पहले जा चुकी है, तो उससे पता था कभी ना कभी तो होना ही था, इट्स ओके, एक नई जर्नी शुरू करेंगे. सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. बहुत सारी मेमोरीज है, कोई एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है नहीं, बिकॉज वो सेट, वो विराट का रूम, वो हॉल, वो गणपति जी की मूर्ति हमारी, वो बाद में लीफ वाली जो मूर्ति थी, वो सारी चीज़ें इतनी स्पेशल है. वो जो सेट है हमारा, वहाँ पर इतने अच्छे सीन्स हुए हैं, वो सारी मेमोरीज है मेरी एंड हमारे मेकअप रूम्स, तो एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं मेमोरीज, तो एक चुनना उसमें से बहुत मुश्किल है. सो एंड इट विल बी इनजस्टिस टू अदर्स, सो आई डोंट थिंक देर इज़ वन स्पेशल मेमोरी एज सच. बहुत सारी चीज़ें हैं, विराट के रूम में मैंने मुकाबला का डांस किया था, वो मुझे आज तक याद है. आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते रहे तेरा वो डांस देखा था, तो आई एम हैप्पी चीज़ें ऐसे याद रहती हैं लोगों को, सालों साल याद रहती हैं. सो आई एम वेरी ग्लैड, एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है. उसका कहने का मतलब ये था कि ये शो हमारे लिए बना, इन द सेंस कि हम इस शो में मिले, शादी हुई. कोई ऐसा सोचता नहीं है कि एक ही शो में रहकर शादी भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे लाइफ में ऐसे, तो वो उस हिसाब से बोल रही थी कि हम ये शो हमारे लिए बना है. और हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शो हमारे लिए बना है ऐसे, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन, इट्स नथिंग टू डू विद द शो एज सच, इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल इमोशन बिटवीन हर एंड मी. सो या मैं हर एक किरदार के लिए ओपन हूँ, आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज एंड बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं अपने आप को कि इस ढांचे में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि उसमें देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक अगर मैं वैसे सोचना शुरू करूँगा तो इट इज़ मोर लाइक मैं अपने आप को बांध रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी भी एक लिमिट है उसकी. शायद जो मुझे थर्ड पर्सन की नज़र से देख रहा है या देख रही है, उसके दिमाग में मैं कुछ और कर सकता हूँ शायद, तो आई वुड रादर बिलीव इन दैट एंड गो विद दैट. अनचार्टेड टेरिटरी में जाना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ, सो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग गाइस. पहली बात तो ढेर सारी किसेस सारे फैंस को जो इतना सारा प्यार अपना दर्शा रहे हैं मेरे किरदार के लिए, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. बट लाइक एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, एंड एवरी जर्नी दैट बिगिन्स ऑल्सो हैज़ एन एंड, सो दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी. आई एम नॉट सेइंग ये जर्नी ख़त्म होती है, जी हाँ विराट की जर्नी ख़त्म होती है, लेकिन नील एज एन आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी एंड इट्स जस्ट अ पॉज बटन फॉर अ वाइल. सो जैसे ही प्ले होगा आपको पता चल जाएगा. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. फैंस के लिए यही हमेशा के लिए जो मैं बोलते आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है मुझे, यहाँ तक पहुँचाया है. मेरे करियर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहा है ये शो एंड उस चीज़ को
मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहली बात तो नमन करता हूँ, थैंक यू, एंड विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम आस्किंग कि आप लोग इस शो को भी उतना ही प्यार दें जब मैं यहाँ से जाऊँ, एंड जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, थैंक यू सो मच।